बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कटुकेजार चौधरी। आज का हमारा टॉपिक है कि आप बाहर रहते हुए पाकिस्तान में मौजूदा प्रॉपर्टी कैसे सेल कर सकते हैं। हाउ यू कैन सेल योर प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान व्हाइल यू लिविंग इन अब्रॉड। आप अगर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आप अपनी पाकिस्तान में मौजूदा प्रॉपर्टी कैसे सेल कर सकते हैं, आज हम इसका प्रोसीजर सीखेंगे। इसका सिंपल प्रोसीजर है, प्रोसीजर कुछ ये है कि जो आपकी प्रॉपर्टी मौजूद है जिसको आप सेल करना चाहते हैं, आपने उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी ड्राफ्ट करानी है लॉयर से। अगर आप इधर से कराना चाहें तो आप इधर से करा सकते हैं, अगर आप इधर से नहीं कराना चाहते किसी लॉयर से तो आप वहाँ पर किसी सोलिसिटर से कॉन्टैक्ट करके आप उसको ड्राफ्ट करा सकते हैं। जब आप उसको ड्राफ्ट कराएंगे, उसकी जो आपका वो जितनी भी उसका फ़र्द वगैरह है, उसने उसकी रजिस्ट्री आपने साथ रखनी है, उसकी सारी डिटेल आपने उससे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मेंशन करनी है, और जिस बंदे को आप वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, जिसके नाम वो आप भेज रहे हैं, उसकी डिटेल मेंशन करनी है और आपने डिटेल मेंशन करनी है, और वो आपने फॉरेन कंसोल जाकर अटेस्ट करा लेनी है। जब आप फॉरेन कंसोल से अटेस्ट कराएंगे तो वो आपसे फ़ीस लेंगे, फ़ी चार्ज करेंगे, वो वेरी करती है प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। जब वो हो जाएगी चार्ज तो वो आपने फिर पोस्ट करनी है बाय पोस्ट, बाय टीसीएस। वो आप जिस बंदे के नाम भेज रहे हैं उस बंदे को मिलेगी, वो रिसीव करेगा। जैसे ही वो रिसीव करेगा तो उसने फॉरेन ऑफिस जाना है इस्लामाबाद, ठीक है। अगर किसी और कंट्री की है तो उनके कंसोल और सिटीज में भी पाए जाते हैं, लेकिन अगर यूके की है तो डेफिनेटली यू हैव टू विजिट इस्लामाबाद। उनका कंसोल नहीं है, उनका वो फॉरेन अफेयर्स ऑफिस ही जाना पड़ेगा, फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद ही जाना पड़ेगा। वहां जाकर आपने उसको अटेस्ट कराना है, अटेस्ट कराने के बाद आप उसे लेकर आएंगे, उसे लेकर आने के बाद आपने उसे तहसील दफ्तर में रजिस्टर्ड कराना है। जिस बंदे के नाम आपने अटॉर्नी भेजी है उस बंदे ने ये रिसीव करनी है अपने अपने घर पे, जिसने रिसीव की है, जिसके नाम पे आपने पोस्ट की है, उसने रिसीव करने के बाद इसको फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद से अटेस्ट कराना है। अटेस्ट कराने के बाद तहसील ऑफिस जिधर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जिधर का वो बंदा रिहायशी है, वहाँ से अटेस्ट करानी है, रजिस्टर करानी है। वहाँ वो प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने के बाद अगर तो वो ब्लड रिलेशन में है तो फिर आपका 1200 का स्टैम्प पेपर लगेगा और आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाएगी तहसील ऑफिस में उस बंदे के पावर ऑफ अटॉर्नी पे। लेकिन अगर आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, जिसको मतलब आप डेलीगेट कर रहे हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के राइट्स, अगर वो आपका रिलेटिव नहीं है, अगर आपके साथ आपका उसके साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, तो फिर आपको 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू डीसी रेट वो पे करना पड़ेगा। डीसी रेट के स्केड्यूल में जो आपकी प्रॉपर्टी का रेट होगा वो उस स्केड्यूल के हिसाब से 2% उसने बैंक में जमा कराना है। उसके स्टैम्प पेपर इशू होंगे, वो स्टैम्प पेपर इशू होने के बाद तहरीर होगी, तहरीर होने के बाद तहसील ऑफिस में रजिस्टर होगी। फिर वो प्रॉपर्टी, ये रजिस्ट्रेशन कराने का जो तरीकेकार है, ये 4 महीने के अंदर अंदर रजिस्टर कराना होता है। जैसे ही पाकिस्तान पावर ऑफ अटॉर्नी आती है, विद इन 120 डेज उसका रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये रजिस्टर हो गई, अब वो बंदा उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है ऑन योर बिहाफ, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को जो भी आप कराना चाहते हैं, अगर आपने उसको सेल का राइट दिया है तो वो सेल कर सकता है, अगर आपने उसको कंस्ट्रक्शन का राइट दिया है, अगर आपने उसे ट्रांसफर का राइट दिया है, जिस तरह का राइट आपने डेडिकेट किया है उसको, वो उसे डेडिकेट वो उसे परफॉर्म कर देगा। अगर जितने अरसे के लिए दिया है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये था तरीका जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो आप भेजते हैं फॉर सेलिंग ऑफ योर प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान आप बाहर रहते हुए। आपको पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी उधर बैठे ही इधर बिक जाएगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका लॉ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे दिए गए ईमेल के नीचे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।